मौसम विभाग की बारिश को लेकर दी गई चेतावनी के बाद किसान अपनी धान की फसल को ज्यादा मात्रा में मंडी में ले आए। उन्हें उम्मीद थी कि साफ सुथरी धान होने के कारण उन्हें ज्यादा रेट मिलेंगे, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। धान के रेट में 50 रुपए से ज्यादा का मंदा मिला है। वहीं मायूस किसानों का कहना है कि मौसम की मार और काले तेले की मार के कारण धान की फसल 15 से 30% कम निकल रही है और ऊपर से रेट में मंदा होने पर किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। साथ ही कहा कि उनकी 6 महीने की कमाई का दाम पूरा नहीं मिल रहा। जो धान कुछ समय पहले 2800 से 3200 रुपये में बिक चुकी है, किसान उसी धान को 2200 रुपये में बेचने को मजबूर हैं। डबल मारिश है, उधर कुदरत की मार पड़ गई थी। डबल बारिश ने सारे के सारे धान हमारे खराब कर दिए। पहले एक महीना पहले यही धान 2900-3000 रुपए बिक रहा था। उस टाइम यूपी का धान था, पर हरियाणा का धान आया है तो यही धान 1600-1700 बिक रहा है। सरकार अपनी एजेंसी भेजे इनको रोके, सुखी जीरी कटवा के लाते हैं जो कहते हैं अभी मोक्सर नहीं रहा, इसमें गिल्ली कटवा के लाते हो तो हरी कटवा के ले आए तुम। आज से 3 महीने पहले धान का रेट 2900 रुपये था। यहाँ मंडी में मतलब जो धान आती थी छुटू ढेरी तो 2900 रुपये बिक रहा था। आज जब धान की आवाक शुरू हुई, हरियाणा के धान का मतलब मंडियों में आना शुरू हुआ तो ये घट करके 1600 रुपये तक आ गया है। 1600-1800-1900 रुपये पे बिक रहा है 1500 नौ, जो कि बासमती एक ऐसी बढ़िया क्वालिटी है 1500 नौ, जो बासमती के 11-21 के अंदर मिलकर के वो मतलब विदेशी डॉलर लाती है इस देश के लिए। लेकिन ये आज का हरियाणा का जो किसान है वो डबल मार में फंस गया। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए NV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।